नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है औसित और आप देख रहे हैं जी दी इलेक्ट्रिक। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल केबल में लग्स को कैसे पंच करें। तो ये हमारे पास कुछ एल्युमिनियम लग्स है, आज हम इस लग्स को केबल में कैसे पंच करते हैं वो करके दिखाएंगे। ये हमारे पास एक मैनुअल क्लिपिंग मशीन है, इस क्लिपिंग मशीन के ज़रिए हम आज केबल के लग्स को पंच करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम केबल को काट लेते हैं, इतना डिस्टेंस में हम केबल को पहले आउटर सीट को काट देंगे। अभी हम इस आउटर सीट को निकाल देते हैं। तो केबल का आउटर सीट निकल गया, तो आर्मोर को हमने थोड़ा थोड़ा घिस दिया। अब आर्मोर को काट के निकाल देते हैं। तो पूरे आर्मोर को काट दिया यहाँ पे, और ये जो है इनर सीट केबल का, इसे भी हम अभी काट देंगे यहाँ से। तो इस इनर सीट को काट दिया, अभी क्या करें, अभी इसे व्हाइट कपड़ा से इसे सेफ सब कर देते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा डिस्टेंस में और एक कट करेंगे, सिर्फ आउटर सीट को ही काटेंगे। और इस आउटर सीट को निकाल देंगे यहाँ से। अभी एक एक आर्मोर को यहाँ से पलट देंगे। अभी हम यहाँ पे टेप कर देंगे। यहाँ पे टाइट हो गया अभी। पहले हम एक लक्स 16 स्क्वायर mm का लक्स ले लेते हैं, एल्युमिनियम लक्स। ये एल्युमिनियम केबल है इसलिए एल्युमिनियम लक्स का यूज करेंगे। यहाँ पे इसका नाप ले लेते हैं, जितना तक लक्स आ रहा है उतना तक हम इंसुलेशन को छील देंगे। निकल गया, अभी इसे हम पुश कर देंगे। ये पूरा अच्छे से फिट हो गया, ऐसे सारे केबल को लक्स के साथ फिट कर देंगे। ये 4 कोर केबल है इसलिए इसका न्यूट्रल में भी 16 स्क्वायर mm का लक्स यूज हो रहा है।
सारे लॉक्स को फिट कर दिया, अभी इसे पंच करेंगे पंचिंग मशीन से। तो ये मैनुअल पंचिंग मशीन है छोटा वाला, इसमें जो 16 square mm का केबल पंच किया जाता है उसी प्लेस में रख के ये लॉक्स को पंच करेंगे ये वाला हिस्से में। तो यहाँ पे हम केबल लॉक्स को मशीन में सेट करेंगे और इसे ऐसे प्रेस कर देंगे। जैसे हम प्रेस करते हैं जब ये पूरा नहीं होता है तब लॉक रहता है, और जब हमारा पंचिंग पूरा हो जाता है तब ये फिर से अनलॉक हो जाता है। ठीक है, इसे और एक जगह पंच करेंगे। तो ये हमारा केबल पंच हो गया। ठीक है, ऐसे सारे केबल को पंच कर लेंगे। तो अभी चारों लॉक्स को हमने पंच कर दिया। यहाँ से हम पीवीसी टेप लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एम्पियर टेप या ग्लास टेप यूज कर सकते हैं। अगर इसे आप आउटडोर में बाहर में मतलब कहीं पे यूज करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे केबल को इंसुलेट कर सकते हैं। अब अगर चाहे तो ये पीवीसी टेप को पूरा यहाँ तक दे सकते हैं। ऐसे क्या होगा अगर ये केबल धूप में रहेगा, अगर आउटडोर में यूज हो रहा है तो इसे अब पूरा पीवीसी टेप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा केबल जल्दी ख़राब नहीं होगा, धूप से बचेगा, अच्छा रहेगा केबल। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 300 square mm का केबल में जो लक्स कैसे पंच किया जाता है वो हम आपको पंच करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।